देखते हैं आप कौन ज्यादा देर पानी में रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह हम लोग सुबह पांच बजे निकल रहे हैं हम लोग कहाँ भाई। हम जा रहे हैं उत्तराखंड अपना नैनीताल से ऊपर गोलू जी टेम्पल प्लस अपना जो मंदिर है अपना कैची धाम, उधर भी जाएंगे दर्शन करके आएंगे। तो हमारा ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलते हैं कैची धाम। सुबह सुबह 5 बजे निकल रहे हैं दिल्ली से, देखते कितने बजे पहुँचते हैं। तो सब ब्लॉग में बने रहना आप लोग। चलो चलते इधर सुबह सुबह ट्रैफिक। लो जी आ गया हमारा पहला टोल। बाहर का व्यू बड़ा मस्त है यार, सुबह सुबह हाईवे और किनार। ये गेहूँ सूख रहे, सही लग रहा सुबह सुबह। सुबह का मौसम तो होता ही बढ़िया है, बढ़िया भी है और रास्ता भी खाली मिल रहा है भाई। सुबह सुबह निकलने में फायदा रहता है। टोल भी आ गया, भीड़ बहुत है यार है टोल में। सुबह सुबह कितनी लंबी लाइनें लगी पड़ी है। और ये देखो सुबह सुबह, ये देखो 7:30 हो रहे हैं, 7:30। और ये देखो अम्मा जी सुबह सुबह उठ के अपने काम पे आ गई हैं। नानू गुड मॉर्निंग, नानू गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर। गंगा जी तो दिख नहीं रहे थे पापा, दिखेगी? अच्छा हाँ, ये आगे बना हुआ है। ये देखो गाइस ये है गंगा मैया जी। उधर को चुनी नहीं बताओ। ओहो बहुत डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। 15 बजे में बस ये आ गया हमारा तीसरा टोल। मुरादाबाद तक, दिल्ली से मुरादाबाद तक ही 3 टोल दे दिए हमने भाई। ये तीसरा देने जा रहे हैं। हाँ रुक गए भाई, रुक गए। ले लो ले लो, जेब खाली करो हमारी। कर दी हमारी जेब खाली। चलो इधर चलते हैं हम नैनीताल की तरफ। अभी तो हल्द्वानी 78। तो गाइस यहाँ रुके हम ब्रेकफास्ट करने। किसको हेलो कर रहे हैं नानू? इसका टीम को, वो हेलो कर रहा है, इसको हेलो कर रही है। तो गाइस इधर रुके हैं पंजाबी, क्या ये पंजाबी पोटली, पंजाबी पोटली में तो करते यहाँ नाश्ता पानी कुछ। झूले दिख गए आदि और गुलाब है कितने सारे, और अच्छे लग रहे ना ये दोनों। बैठ गए झूला झूल रहे हैं नानू। मजा ला, मैं झूला दूँ? पक्का पक्का भाई। सामने देखो कितने दूर तक गेहूँ का, पूरे रास्ते हम यही देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है, मस्त मजा आ रहा है देख के। दोनों सीसो खेल रहे हैं। इधर आ गया हमारा पराठा, चटनी, अच्छा सॉस और अभी आपके लिए क्योंकि बच्चों ने मंगाया है सैंडविच। पता नहीं आप चलते हैं बाहर, आ जाओ बेटा फ़ोन ले लेना, पानी की बोतल भी दे। भाई यहाँ फूल बढ़िया लगे हुए थे, अच्छा लगा बैठ के, और खुशबू भी आ रही थी है ना गुलाब की। चलो अब चलते हैं नानू, चले। पिंक वाली अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा रेड वाली अच्छी लगी। चलो गाइस अब चलते हैं। 10 कितने बज गए? 10:45 हो रहे हैं। फिर फाटक बंद मिल गया। हम
लोग पहुंच गए हल्द्वानी हल्द्वानी और यहाँ से पहाड़ दिखने लग गए। आदित्य पापा वैसे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं ना जैसे ऋषिकेश के नीचे से दिखते हैं, तो वही पहाड़ है सब। अब जैसे हल्द्वानी है वैसे वहाँ देहरादून है। अभी हम नैनीताल साइड जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों में, उधर देहरादून से मसूरी साइड है, सेम ही है सिटी बना है ना, वैसी सेम ऐसे जैसे हम मेरे को लोकल हूँ मैं वहाँ की, तो सेम ही जैसे ऋषिकेश का नीचे और ऊपर पहाड़ सेम वैसे। वो गाड़ी चेक हो रही ना? हाँ भाई गाड़ियाँ चेक हो रही भाई पहाड़ों पे, यहाँ हो रही है तो उसको देखो गाड़ियाँ चेक ताकि किसी ने पी पार तो नहीं रखी है पहाड़ों पे जाओ पी है वैसे लड़कों वालों को स्पेशल दे फोटो वाला स्पेशल रखा हुआ है तो भाई फोटो खींचने के लिए। तो गाइस देखो फाइनली पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, हम भी कर रहे हैं चढ़ाई। और अब इन्होंने पता क्या काम करा, अब इन्होंने सीएनजी से हटा के पेट्रोल पे कर दिया गाड़ी है। मम्मी हमारी विंडो वाली रीड बनाना। अच्छा ठीक है। तो भाई ये मोड़ आता है इधर से कट लेना है और यहाँ से देखो कैंची धाम बद्रीनाथ केदारनाथ। तो भाई बद्रीनाथ केदारनाथ भी ये रास्ता जा रहा है, कैसी धाम भी है। हाँ। भाई घने पहाड़ मिले हुए हैं सारे के सारे भाई, लेकिन ये है कि पहाड़ों पहाड़ों में बंदा कहीं भी पहुंच जाए सारे पहाड़ मिले हुए हैं। मौसम अभी सही है मगर हमने एसी चला रखा भाई अंदर, भाई गर्मी है एसी चला रखा, बिना एसी के ना काम चल रहा। तो भाई ये आ गया पुल, ठीक है ना। इस पुल की ज्यादातर वीडियो मैंने सौरभ जोशी के ब्लॉग में देखी है, यही वो पुल है ना। सही बोल रहे हो। चलो फोन मिलाते सौरभ भैया आ जाओ। सौरभ भैया आ जाओ। अच्छा जी मैं तो नदी किनारे होटल मिल जाएगा, मैं तो नदी में डुबके मांगता रहा। अरे मैं तो दो दिन के लिए आई हूं, मैं पांच कपड़े लाई हूं अपने पांच। वाह अच्छा टाइम पहन रखा है, जब भी खवा मैं खोज जाऊंगी पानी में। वाह भाई देखा जाए ना तो पहली बार मेरी गाड़ी ये पहाड़ों पे आई है, मेन अच्छे पहाड़ों पे। वैष्णो देवी तो गई है बट वहाँ इतने पहाड़ नहीं है। अब जो मेन पहाड़ आए हैं ना तो देखा जाए तो अब पहली बार आई है। और मसूरी गए में बहुत टाइम हो गया हमें, मेन तो भाई हम लास्ट इधर ही आए थे चित्तई गोलू जी और दोबारा इधर ही आ रहे हैं पहाड़ों पे। ये पहाड़ों का लग रहा ताजा पानी निकाल के पी रहे हैं, निकाल के आ रहे निकल रहा होगा वो भाई गाड़ी भी साफ कर ली इन्होंने अपनी मस्त। ये देखो भाई पहाड़ों में पता क्या है, अपनी लाइन में चलो बहुत इजी ड्राइविंग है, बस आप बार बार ओवरटेकिंग की कोशिश मत करो, जब आपको टाइम मिले या मौका मिले तब ओवरटेकिंग कर लो, अदरवाइज फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। पिछली बार हम ना यहाँ रुके थे, इतना गंदा होटल था ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और इधर ही जस्ट आपको ये देखो इरा भीमताल, हम भीमताल पहुँच गए। आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा ना जाके ब्लॉग देखना, बहुत मस्त है, एंजॉय करा था हमने फुल, पूरा डिटेल दे रखा मैंने भीमताल को, उसमें कितने रुपये चार्ज है बोटिंग का और कितनी देर के लिए सब चीज। वाह यार क्या व्यू है भाई, ऐसे व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, कर दिया करो यार। नीचे देखना क्या है घर, ओ भाई सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है ना। क्या व्यू है, आप कैसे राम के दर्शन करा रहे तुम्हें, ठीक है। और फिर कल अगले व्लॉग में आपको गोलू जी के दर्शन कराएंगे चित्तई में जो है, ठीक है, वो कैची धाम से और ऊपर है। देखो ये रेज कैची धाम। तो भाई जिसने अभी अभी दर्शन करें तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस यार पता है क्या, अंदर है ना यार फोन अलाउड नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके फोन तो ले जाएंगे बट वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो बाकी की वीडियो आपसे शेयर कर देंगे जैसा भी हम दर्शन करके आएंगे। हाँ। तो आपको बता देंगे। भीड़ है यार आधे पापा, उतनी नहीं है लेकिन है ना जितनी, अच्छा ये यहाँ इसलिए खड़े होते फोटो वोटो के लिए खड़े ही, इसलिए इतनी भीड़ दिख रही है हमें। चलो फाइनली बाबा ने हमें बुला लिया, थैंक यू बाबा जी।
बाबा नीम करोली। थैंक यू भगवान जी। यहाँ से है एंट्री। मैं तो सोच रहा हूँ होटल यही है तो पास में ले लेते हैं। तो गाइस पता है क्या है भाई, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी और सही टाइम पे आए, नहीं तो ना यहाँ पे पार्किंग भी मिलना मुश्किल हो जाती है। अब पार्किंग भी बहुत अच्छी जगह है। पीछे क्या है हमारे पीछे? दीवार है। आवाज आ रही है पता पानी की। तो ऐसी जगह पे लेंगे होटल हम। हाँ दो दिन अच्छे से एंजॉय करेंगे। भाई ये देखो इधर, यहाँ से अभी हमें जाना है दर्शन के लिए। अरे हाँ फिश दिखी गई आपको? ओए कितनी सारी है। अरे पापा फिश है यहाँ, फिश कितनी सारी है देखो वहाँ पे दिख रही। ओए होए होए इतनी सारी है देखो, कितनी सारी है। गाड़ी ये हो गई पार्क। अरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई इधर पार्किंग, इधर आते लोग पैदल चल रहे हैं। अच्छा भाई यहाँ देखो ब्राउन से इतने सारे फ्लेवर अलग अलग। इधर बाबा का भीम करोली बाबा जी की फोटो। और ये सड़क पार गए हैं प्रसाद लेने। यहाँ भी दिख रही है ना, आ जाओ। हाँ यहाँ से दिख रही है पार्किंग। इधर भाई चप्पल उतार रहे हैं इसी तरीके से। पता नहीं भाई ये। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन है। भीड़ नहीं मिली हमें, सबसे बड़ी बात है ना राधे पापा। और ये देखो यहाँ से दर्शन फिर से ले लो और अपनी मुरादें मांगो, सब भगवान सब पूरे करेगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ नहीं थी और प्रसाद लिया। अंदर चढ़ाने का कहीं नहीं है, बस प्रसाद लेके घुमा के मतलब आ गए, लोग लगा दिया बस उसका। होप के गाइज आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पे भाई नए हो तो बार बार कहता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लेना रिद्धिमा गुप्ता व्लॉग को। तो आज का ये हमारा व्लॉग था नीम करोली बाबा का दर्शन को लेकर के। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हमारा होने वाला है सीधा गोलू देवता टेम्पल। तो जय हिंद।